गुलबर्गा में डोमिनेंट लीडर और बोल्ड लीडर बोलते हो आप ही हैं सर, क्योंकि ऑफिसर से कैसा बात करना, उनके वीक पॉइंट्स कैसा कैलकुलेट करना, ये अभी दूसरे लोगों में है नहीं सर। बट रियल बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ, और आप जितना बोल्ड बोलते हैं, जितना बोल्ड काम करते हैं हर मसले में, बट दूसरे लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है सर। तो आप हमको आप जैसा लीडर ही चाहिए सर गुलबर्गा में, आज के पीरियड में, आज के हालात के हिसाब से। बार का देव झूठ चाहिए भी और चाहिए भी और दूसरे हैं भी नहीं, है भी नहीं, है भी नहीं, ये भी एक जबरदस्त। और आपके पास क्या है, लॉ का पूरा आपके पास खजाना है, आपके वालिद मोहतरम आपके और आप खुद क्वालिफाइड पर्सन है सर। बट क्या है, आप में जो क्वालिटीज़ है ना प्रेजेंट, किसी में क्वालिटीज़ नहीं है सर। और आज के पीरियड के हिसाब से, आज के हालात के हिसाब से, आप जैसा डोमिनेट लीडर चाहिए गुलबर्गा के। बेशक तो मसले मसाइल हल होते हैं सर, वरना तो 0.0। आशीर्वाद पड़े साकु जस्ट गिव मी योर ब्लेसिंग दैट यू मोर देन इनफ। हां थैंक यू, थैंक यू मान रहीम। अल्लाह ताला पर रूहानी अखलाक जाहिर हुजूर दे, हर काम में रोजी में बरकत दे, आपकी जिंदगी बुलंद हो, हर काम में कामयाबी दे। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। यू अबाउट यू, दैट विल बी फाइन इफ यू जस्ट is coming from a very high ritualistic religious educationist and above all secular personality in our Kalyan Karnataka area, and their family is known as a Vastan because his great great grandfathers, when Supur dynasty existed in the year 1632 AD, then their family members were honored in our Surpur palace as religious head, as a guide, as a tutor, as an advisor, and a holy seat of Vastad was occupied by their ancestors. So that particular breed of the family, genetic force in the family, is to maintain discipline, organization, struggle for the poor welfare, and also to work hard for the welfare of the society. ये अलग के जो है 165 लोगों को गिरफ्तार करी थी पुलिस, आप आगे पहुंचे, एमएलए होते हुए कोई नहीं गया, आप एमएलए नहीं होते हुए काम कर रहे हैं, और एमएलए नहीं होते हुए काम कर कर अब एमएलए के लिए ठहरने आए हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? जो शख्स ऐसे एमएलए काम कर रहा है नहीं होते हुए, उसका साथ देंगे? ये वादा है और काम करेंगे। आप भी ज़रा बहुत एक्स्ट्रा ताकत लगाना। मैं सवाल नहीं होता, और एक बात है, एक बात बोलूँ आपको मैं, आप तो हमारे से जो ना आगे हैं, फिर भी हमारे तजुर्बे के हिसाब से हम ये बोलेंगे, मैडम का एक ये है, खमर साहब का है, वो है, पर हमको अजमेर में होना है। हम फ़ोन कर रहे हैं 11 बजे 12 बजे, छोड़ क्या मतलब, आ सकते हैं? उन्होंने ऐसा मैडम से कोई गिला सकवा नहीं है, पर हमको आदमी होना है। सही, ये बात आप, मैं हूँ जब तक हूँ मिल्लत के काम आने वाला हूँ, मिल्लत के लिए लड़ने वाला हूँ, मेरे को इस बार सही है बढ़ चढ़ कर आप लोग साथ दीजिए। अभी इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ जी, जी हम आए हैं आपसे पूछने के लिए, आप अगर वायदा करते हैं हमारे साथ देने का तो इलेक्शन छेड़ता हूँ। दो बार लड़ा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, तीसरे इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। फिर 5 साल भी देख रहे हैं हर इशू पर बढ़ चढ़ के आगे आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। आर एस एस बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है, उनके नाम पर डराने वाले का साथ नहीं देना, और अभी से, क्योंकि आप खामोश बैठने से क्या हो रहा है, दूसरे लोग जो है माहौल को बदल रहे हैं। लास्ट मोड में आ रहा है, नासिर अच्छे हैं वो बोल रहे नहीं, लास्ट वोट कहीं नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़े लोग हैं जिनके मुफाद अच्छे हैं, उनके मुफाद में नहीं, आपके भरोसे पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे को साथ देना है। वादा है आपका, पूरे आपके दोस्त है बाप, घर वालों को, अड़ोस पड़ोस को अभी से बोलना शुरू करेंगे, नासिर साथ देना है। वादा है आपका भाई।
मैं वादा करता हूँ हैदराबाद कर्नाटका के अंदर मुसलमानों के जो भी इशू रहेंगे आपका भाई सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे रहेगा। नॉर्थ की सीट का मत सोचो आप, हैदराबाद कर्नाटका के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बढ़ती है, साथ दो जी जरूर। घर में बैठ के सोने उस्ताद अंत जे डी एस एम एल ए कैंडिडेट एल मल्ली अली तमु नम देवनगर देवनगर एम एल ए कैंडिडेटे लास्ट टाइम सत्य स्वल्प निंदु हे अंत निम्ला सहकार इको सहकार मातील बर्ती ना ऐरिया बर्ती देवनगर के। अगर हम तकसीम हो रहे हैं तो फिर वो अलग बात है, हमको तकसीम नहीं होना है इस बार, उन्हें बोलने दो। उन्होंने वो बिचारी हम वो औरत के तालुक से नहीं बोलना चाह रहे, उन्होंने अभी भी इलेक्शन नहीं करना चाह रहे, फिर गुत्तेदार ला रहे हैं उनको सामने जी हाँ, उनको उन्होंने ला रहे हैं, उनसे हमारा कोई चाहिए नहीं है। हम तय करना कि हम जो पाँच साल जिस तरह से गुजरे आने वाले पाँच साल वैसे नहीं गुजरना। नॉर्थ के अंदर सच्ची बात तो ये है कि सही लीडरशिप होना, कि हमारे पास अगर के नासिर साहब आ गए तो एक नौजवान की नुमाइंदगी होती। मैं इनके साथ रहा हूँ, वो एक सिंसियर लीडर था और सिंसियर लीडर की नुमाइंदगी अब दोबारा हमारे पास हमारे हमारे दरवाजों को दस्तक दे रही है, उसका जो है ख्याल करना हमको बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर नुमाइंदगी के लिए हम कितना पुरजोश काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो जरूरी है हमारे जनता दल के लिए, नासिर साहब के लिए। प्रोग्राम भी करेंगे आज तक। नहीं नहीं, मेरे को इलेक्शन आगे है, इलेक्शन का बात नहीं कर रहा मैं आपको, मैं इलेक्शन ठहरना का नहीं ठहरना, बिल्कुल ठहरना सर। मेरे को आप मेरे को वायदा आप ये करना है कि आज से आप अपने घर में दोस्त अहबाब को रिश्तेदार को खुल के ये बोलना कि जो है हम नासिर उस्ताद का साथ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है आपकी खामोशी, एक ऐसे गुलबर्गा के अंदर एक 15-20 लोग ऐसे हैं जो लास्ट में आते हैं, फिर उन्होंने पाँच साल NRC की लड़ाई में नहीं आते, उन्होंने जो है आनंद के अंदर लोग गिरफ्तारी होती है उन्होंने नहीं आते, कोविड के अंदर दुकान नौजवान 5-5-6 हज़ार लोगों को गाड़ियाँ पकड़े जाते नहीं आते, मार्केट के अंदर इलेक्शन से 15 दिन रह जाए आते देखते उन्होंने, अरे नहीं भाई बीजेपी को डराते, बीजेपी जीतती भाई तकसीम वोट मत करो, बोल किसी कांग्रेस को वोट डालो उसको वोट डालो बोलते। आप उनको ये बोलना 5 साल बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला कौन, मैं लड़ा नहीं लड़ा NRC के अंदर, आनंद के मामले में लड़ा नहीं लड़ा, कोविड के अंदर लड़ा नहीं, निकाल दिया वहाँ से। 5 साल लड़ने के लिए बीजेपी के साथ जो लड़ता है बीजेपी को हराने के लिए उसका साथ देते हैं बोलते, बोलना शुरू कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप आप बोलना, आप भी वादा कीजिए आप सब लोगों को बोलेंगे इंशाल्लाह। वो इलेक्शन के बावजूद हिम्मत नहीं हारा हूँ, अब गुलबर्गी की जो क़यादत है सिर्फ नासिर उस्ताद ही कर सकते हैं। कल सर्वे आए थे मेरे पास, वो लिख लेकर जा रहे ना मोबाइल में हमें, तो मेरे को अपना ये पूछे कि भाई आप अपना यहाँ का सड़कों का ये सब कर रहे हैं क्या, ऐसा होता क्या भी नहीं, सड़क तो आप देख रहे हैं, पानी का मसला कैसा है, तो बोला पानी को नहीं, पानी का तो ठीक है, बोला मैं आप नासिर उस्ताद कह रहे हैं, चंदू पार्टी कनीज फातिमा आप किसको अपना चॉइस करेंगे आप, बोला नासिर उस्ताद, ये मेरा ख्याल है जी सोच है ये, तो निकले कर जा रहे हो उन्होंने सर्वे कर रहे हैं। दोबारा का कल मैं अशफाक साहब के पास भी था जी, फोन आ रहे थे बेटी क्या है, हाँ साहब हाँ हाँ बिल्कुल बारक जी, उन्होंने मेरे को बोले उन्होंने नासिर उस्ताद है तो काम करेंगे, नहीं तो काम करेंगे। बीजेपी के हर इशू के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा हूँ, NRC से लेके अब तक नेशनल TV पे भी आ रहा हूँ, इंग्लिश TV में बात कर रहा हूँ, मुसलसिल लड़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो इलेक्शन के अंदर लास्ट मोमेंट में बीजेपी का डर बताकर जो है किसी घर में सोने वाले जो लड़ते नहीं जो आवाज़ नहीं है उनको जिता रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आप साथ देते हैं बोलते आगे बढ़ता हूँ, साथ देने के लिए आगे बढ़ो, हम साथ पूरे अभी से सब लोगों को बोलना वायदा है आपका। हिजाब के मामले में भी नासिर उस्ताद साहब ही सबसे पहले आवाज़ उठाए, आलंद के मसले में 10 औरतें हिरासत में लिए गए थे उनको छुड़ाने का काम भी इन्हीं करे, हर मसले में मुसलमानों को जब भी तकलीफ हुई है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने वाले यही हैं। दो बार इलेक्शन लड़े हैं, अब तीसरा इलेक्शन है, हारने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, हर मसले 5 साल देखे हैं आप, हर चीज़ के अंदर अपने आप को पेश किए हैं, बीजेपी के हर एजेंडे के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। अब इस बार कल में वगैरह तमाम दोस्त अहबाब आप लोग अगर साथ देने का वायदा करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हिम्मत करें, वायदा है आपका सब, इस बार सब लोगों को अभी से जरा बोलना शुरू जी, और
आप लोग तो यंग स्टार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि भाई आपके लिए कौन मजबूत बनने वाला है, बन सकते हैं आप, बना आप लोग बने तो बनते। हम ऑफिस काम करना नहीं है, सबको लेकर काम करना है, रिश्तेदार में है, ये सब एक मजबूती से काम। इस बार की जो मजबूती रहेगी वो पूरा दिल जान लगा के काम करना है। उसको सपोर्ट नहीं, ये पार्टी ये सोचना भी जरूरी है। देखो जो लोग अब जो हैं ऑलरेडी खाए थे हमारे लिए क्या क्या बेहतरी है, एक नल के सिवा आजकल क्या दिया। मेरा बचपना भी है मालूम है, हमारे हमारे लिए मजबूत खाए कौन कर सकते, साहब के अलावा कोई दूसरा नाम तो नहीं है। जी बिल्कुल, इस बार दुआ कीजिए मेरे लिए, ऐसे मौके से हाँ दो बार आ रहा हूँ, तीसरी बार के लिए आप सब साथ दीजिए। की बात साथ देने का वादा करते हैं तो आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, जरूर साथ रहेगा सब, हमेशा रहेगा। मैं आपसे इतना वादा चाहता हूँ, आप अपने दोस्त अहबाब को रिश्तेदार को अभी से नासिर उस्ताद के साथ देने के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि लोग आखिर में फिर डराने वाले हैं, तब लोग आप वादा करो आखिर तक साथ देंगे, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो वादा है आपका, करें सर, खुल के बोलना है, अभी से बोलना शुरू करना, जरूर जरूर। आप नहीं बोले नहीं को लड़ा नहीं any time can join if Hung Assembly comes in 2023. Every possibility is there that JDS without thinking a second they will join hands with BJP. आप खामोश खामोश बैठ के क्या होता कि क्या नहीं, केवल के जो सोचते बैठे देखो उसमें क्या हो रहा है, थोड़े लोग जो है उसको माहौल बिगाड़ देते हैं, आखिर में माहौल बिगड़ने देते हैं। इसी अभी से मजबूत होके आप फैसला करके मेरे को वायदा करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर साहब, वायदा है आपका साथ देने का, आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को वोट दिलाने का वायदा है आपका, आप लोगों का वायदा है। अभी दुकान दुकान निकले हैं, फिर भी आपका घर दुकान है, बहुत खुशी हुई। मकानों के लिए और एक करोड़ मान, ये सिर्फ नहीं कोई है नहीं, हम सबका है वैसे ही नहीं, रजा है, आखिर में माहौल बदलता है, लोग उनको मौका मिलता है। आप मेरे को वायदा करो खुल के इस बार साथ देंगे बोले तो आगे बढ़ता हूँ, दिन से वादा करता हूँ, वादा है आपका, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार को सबको बोलेंगे और पूरा हर मसले में आगे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और नुमाइंदगी मजबूती से रख रहे हैं, एक MLA ना होकर भी MLA से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं। इस बार हमारे को असेंबली में ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो मुसलमानों के मसाइल के बारे में बात करें, तो आपका आपके आप जितनों तक बात को पहुँचा सकते हैं उन लोगों तक पहुँचा कर जो है आप अपना साथ दीजिए, यही आपसे गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें आप लोग अगर वायदा करते हैं तो इलेक्शन के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं, साथ देने का वायदा कीजिए इंशाअल्लाह। शुक्रिया, इलेक्शन तो काफ़ी टाइम है अभी, तो सब मिलने आए हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, क्या इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना, बिल्कुल ठहरना सर, आप लोग पूरा वोट दिलाने का दिलाने का वादा करें तो आगे ठहरता हूँ इंशाअल्लाह, गारंटी गारंटी। शुक्रिया सर, अभी काफ़ी वक्त है इलेक्शन के लिए, अभी डेट भी नहीं आया है, हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप अगर साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दो बार हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ हर इशू में देख रहे हैं आप, लड़ने वालों का साथ दीजिए, डराने वालों का बिल्कुल, हाँ मैं मुसलमानों को गुलबर्गा नॉर्थ में नहीं, हैदराबाद कर्नाटक में मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं, ये वायदा करता हूँ साथ दीजिए इसका इंशाल्लाह। एक वायदा करो, आपके दोस्त हैं आपको रिश्तेदारों अभी से बोलना शुरू करेंगे, वादा है आपका। इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बहुत काफ़ी टाइम है, आपसे आया हूँ पूछने के लिए इलेक्शन फिरना कि नहीं फिरना, आप लोग साथ देने का वायदा करें तो फिरता हूँ, जो इलेक्शन फेरा हूँ तीसरा इलेक्शन है, हिम्मत नहीं हारा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ, 5 साल में पूरे मामला देख लिया, हर इशू पे आगे बढ़ करके आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ,
गुलबर्गा नॉर्थ की सीट जो है हैदराबाद कर्नाटक के मुस्लिम की आवाज देने वाली सीट, आपका भाई लड़ने के लिए तैयार है, आप लोग खुल के साथ दीजिए इस बार। ये आखिरी तक इंतजार मत कीजिए, अभी से आप अपने दोस्त है आपको रिश्तेदार को बोलने का वायदा कीजिए। हमेशा हर जगह हैदराबाद कर्नाटक में क्या प्रॉब्लम होता है आगे बढ़ के लड़ता हूँ, वायदा कीजिए, बोले हिम्मत से बोलना शुरू कीजिए, साथ दीजिए सर, वायदा करो साथ देने का। आइए चले सर, अंदर अरे भैया इलेक्शन तो काफ़ी वक्त है अभी, ठीक है आप वायदा करें तो बढ़ता हूँ, दो बार लड़ा हूँ शिकायत मालूम है, तीसरी बार है, हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, हर मसले में आगे बढ़ चढ़ के लड़ रहा हूँ, ठीक है मेरा भी हक बनता 40 साल से ये घर को दे रहे हैं आप, इस बार बड़ों आगे मैं, ठीक है बढ़िया साथ देंगे आप, के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ रहा मालूम है, गरीबी भी आते रहते हैं, कोशिश करिए इतना हो सके इतना, लोग बीजेपी के नाम से डरा को लास्ट में एक करते हैं, इसलिए वो लास्ट में एक होने का मौका मत दो, अभी से भी जहाँ पर बैठ रहे हैं उठ रहे एक वायदा करो आप लोग, पैसे वालों से उम्मीद नहीं मेरे को, गरीब लोग एक होना पड़े हम लोग एक होना, तुम मेरे को खुल के साथ देने का वादा करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल साथ देते सर, गुलबर्गा नॉर्थ में हैदराबाद कर्नाटक में मुसलमान से पैसे नहीं लिए कहीं भी, ज़्यादा का ज़्यादा का वायदा है आपका, कोटा में डालेंगे अड़ोस पड़ोस दोस्तों को भी बोलेंगे, हर किसी को बोलेंगे, वायदा कर रहे हैं साथ देने का पूरा, आज से ही आप अपने दोस्त है आपको सबको बोलिए, जी 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 आप देख रहे 5 साल लड़ते हुए हर चीज़ के लिए आवाज़ बोल रहे हैं, तो हमारे दोस्त से है एमजी रोड में मकान है मेरा, फयाज भाई को संतराज लड़ी की भी जिम्मेदारी है, गुलबर्ग की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार बनिए जी डी जी जी अच्छी ठीक है, कैसे चला बिजनेस, क्या करना है इलेक्शन में लड़ना नहीं लड़ना, अब तुम लोग खामोश बैठे तो दूसरे लोगों क्या कहते हो शुरू करते हैं किससे कहने आपसे, लास्ट टाइम कम हुआ था एनर्जी, इस बार डबल लगाना है, बड़े खान का जो ग्रुप है नहीं, हाँ नासिक का, हाँ नासिक टीम ग्रुप में अब सब जोर लगाएंगे इंशाल्लाह, वायदा है आज से ही बोलना शुरू कर दो, बस आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, आपकी राय जानने के लिए, आपसे वायदा लेने के लिए, इंशाल्लाह दादा मुसलमानों के मसाइल तुम देख रहे हैं और क्या चल रहे हैं क्या नहीं क्या हालात हैं, किस तरीके से नासिर उस्ताद साहब हर मसले में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, CAA NRC से लेके आलम का इशू होते कुर्बानी के मसले रहें दे, हर मसले में नासिर उस्ताद साहब आगे, अब इस बार हमारे को लड़ने वाले का साथ देना है बोलकर अगर हम नीयत कर लिए इरादा कर लिए तो इंशाल्लाह तमाम लोग इत्तेहाद में आकर एक तरफ वोट भी पड़ता और हमारे को एक मजबूत क़यादत मिलती जो असेंबली में हमारे हक में हमारे मसाइल के बारे में बात कर सकते, साथ में जुड़े हुए आप लोग, हाँ इंशाल्लाह बस अभी से सब लोगों को बोलना शुरू कीजिए, ठीक है हमारे पास है चलो चलिए आप भी चलिए साथ में, अल्लाह चाहे तो आप बिल्कुल जो है कामयाब हो जाएंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका साथ, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि अभी से आप लोग मेरे तहत में जितने लोगों को बोल सकते हैं बोलना शुरू, जरूर जरूर साहब जरूर, जज़ाकअल्लाह शुक्रिया बहुत बहुत जरूर, जब तक हूँ आप लोगों के साथ रहूँगा, शख्सियत चाहिए साहब ऊपर का में, क्योंकि अब ऐसा नहीं है अभी माहौल ऐसा नहीं है, आप जैसे जो है चाहिए आप, तो मेरा इतनी रिक्वेस्ट है मैं 5 साल लड़ता हूँ हमारे लोगों के लिए, मेरे लिए एक मेहनत ना होते हुए भी इतनी मेहनत और इतना जो है आवाम के लिए काम किए हैं मैं बता नहीं सकता, मैं आप हर टाइम में आपका जो है वीडियो वगैरह देखते रहता हूँ मैं आपका यूट्यूब में वगैरह, आप बहुत ही अच्छे जो है एक लीडर हैं आप, अल्लाह चाहे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे आप, डबल कैसा करना आपकी इजाज़त और आप वायदा करें तो मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, हम तो दुआएं भी करेंगे और साथ भी देंगे, अभी से सर बिल्कुल अभी से, अभी से। हर जगह तो हम बोलते रह रहे हैं आप लोगों की खामोशी बोले चलने वाले बस इनोचे बोले साहब आपकी खामोशी की तरफ से कह रहा, दूसरे लोग कुछ अलग अलग किस्म के जो है अपने अपने नए नए बना रहे, इसलिए वायदा करें तो आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, दो बार लड़ा हूँ तीसरी बार देख रहे हैं आप लोग इतने कंटिन्यूसली हिम्मत नहीं हारा हूँ जी जी लड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी हिम्मत कीजिए हमारे लिए ताइद में बात करने की करने की, सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ की नहीं हैदराबाद कर्नाटक के लिए जी मिल्लत के लिए आवाज़ बन के ठहरता हूँ।
और किसी से बात कराना, सब भाई बड़े भाई करने वाले को हमारे भाई साहब पूरे हैं, मिले हैं हमारे। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला मैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देते हैं, बीजेपी के नाम से डरा अलग सर आप लोग मेरा नहीं, आप साथ दे हो। हमारे को एक आवाज होना है, मैं सियासी तौर पर हारने के बावजूद हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। 40 साल से एक ही घर वालों को आप इख्तदार दिए, पूरी कौम दिए, मैं भी मुसलमान हूँ, सियासी तड़प रख कर आगे बढ़ चढ़ के कर रहा हूँ। ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है, अरे हमारे बिरादरी के बोल रहे हैं, हमारे बड़े बोल रहे, नहीं, ये गुलबर्गा नॉर्थ का एक वोट एमएलए बनाने का वोट नहीं है। लास्ट टाइम एमएलए बनाया आप, नुमाइंदा बनाने का वोट नहीं है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट जीतती मुसलमान की। मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग मेरे को ताकत देना, वायदा है। बहुत दो बार इलेक्शन हारने के बाद फिरना बहुत मुश्किल है। जी जी सही है, आसान नहीं है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन हारने वाला दिख रहा है ना, साथ दीजिए इस बार बराबर। हर मसला डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं, बीजेपी का हर मसले में आगे हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एमएलए से बढ़ के एमएलए का काम कर रहे हैं। और मैं क्या दो महीने कर रहा हूँ, निर्वस्थ हो जाते आप क्या सोचते लड़ना नहीं लड़ना जी? लड़िए बिल्कुल, दो बार बार तीसरी बार है जी, 5 साल देख रहे ना हर जगह। जी हाँ, आप लोगों के लिए ठेर चाहिए, लड़के सुन देख रहे, केसा डाल रहे सुन देख रहे, मेरे लिए भी हक बनता ना। जी बिल्कुल, हाँ आना कैसे दुकान आपकी है? हाँ वो अभी इलेक्शन तो आगे है, सब आप लोग जरा दुआएं होने तीसरी बार, हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं आ रहे, तीसरी बार है, देखो क्या करना आना तो पड़ेगा नहीं, अब आपकी दुआएं चाहिए भाई। आप देखो मुस्तकबिर तुम लोग आज जवान, अल्लाह तबारक तआला मुलाकात करता हूँ इस बार, ख्याल कीजिए। रहता वो बीएलओ को कॉल करना, यहाँ का एक बीएलओ रहता है, उसकी लिस्ट भी मिल जाती है आपको ऑनलाइन, वहाँ से लिस्ट लेके इस बार साथ दीजिए सब लोग। नासिर उस्ताद साहब जो है हर मसले में मुसलमानों के आगे हैं, और नौजवान तो खास करके नासिर साहब। कैसा करना है इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए, हमारा तो इरादा आप ही को लाने का है। मेरे को वायदा कीजिए आप पूरा खुल के साथ इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए आप, वायदा है खुद मेरे मैं खुद बोलना, और हमारे घर के खुद के जो है ना 16 मेंबर हैं, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार दोस्तों सबको अभी से खुल के बोलना है ना, कहना है नंबर ले आप सब लोग खुल के साथ देते हैं, बोलते आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, जरूर जब भी साथ थे आज भी साथ है इंशाल्लाह, आगे भी रहेंगे। लास्ट टाइम थोड़ा एफर्ट कम पड़ा, इस बार ज्यादा लगाना है इंशाल्लाह, जरूर जरूर। ये वक्त है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हालात क्या हैं शहर के वो सब देख रहे हैं, बिल्कुल 5 साल मुसलसिल हर इशू में अपने आप को आगे रख के लड़ रहा हूँ, आप लोगों के आवाज़ बनकर। दो इलेक्शन हारा हूँ मगर हिम्मत नहीं हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारना हूँ, अब आगे बढ़ा हूँ, अब मेरे को आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। 40 साल से एक ही घर को आप मौका दे रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है। सही सही, ये सीट गुलबर्गा नॉर्थ की, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हैदराबाद कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों की एक आवाज़ है, क्योंकि एक ही नुमाइंदा जीत के आने वाला मुसलमान, एक ही सीट, सीट को भी बचाना है और सही लीडर को चुनना। 5 साल के पूरे आप इश्यूज देख रहे हैं, एनआरसी के अंदर हिंदुस्तान में पहला मीटिंग मैं करा, 144 के अंदर गुलबर्गा में 2 एहतजाज करा है, सेक्शन 144 लगने के बावजूद लड़े, अड़ंज के अंदर क्या मामला हुआ यहाँ पे लड़ा, वहाँ पर भी जाके मैयत भी करा, वहाँ के हमारे माओ बहनों को घरों को जाके फ़ोन नंबर दिया, आप अपने दोस्तों को अपने घर वालों को बोलते बोलते आगे बढ़े, क्योंकि तुम लोग खामोश बैठने की तरफ से सब सही है ना, सिर्फ आप करे सो देखे हैं, हम सबसे खाबिल ले जाए देखे हैं, बोलते खामोश बैठते हैं,
आखिर में चंद लोग बढ़ते हो ना पैसे वाले, नहीं जी हम ये बार क्या करेंगे, वो बीजेपी जीतती में और डराते, उनको एक बात बोलना खुल के, बीजेपी का डराने वाला का साथ देना है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले का साथ देना है। लड़ने वाले मैं लड़ रहा हूँ, हमारी पार्टी लड़ रही है बोलते हो ना, कहाँ कहाँ लड़ी पार्टी, कर्नाटक में सबसे पहले हिजाब के खिलाफ आवाज मैं उठाया, ये गुलबर्गा नॉर्थ के वोट मुस्लिम की एक सीट है, इसको बचाना है, रुक रहे हैं हिजाज की दोस्ती उनकी दोस्ती को चुने वाला नहीं, अच्छे बुरे में लड़ने वाला कहने वाला मैं, वादा करो इस बात का, बिल्कुल सर आपके दोस्तों को उनको सबको बोलना चाहिए बिरादर से, इंशाल्लाह कोशिश करें, इंशाल्लाह कोशिश, उनकी दोस्ती के मुलाजिम, दोस्ती के मुलाजिम जा रहे हैं, इतिहास की दोस्ती वो ये करके ऐसा है वो ऐसा, वो इंशाल्लाह वो हटते जाते हैं इंशाल्लाह, जवाहर और एक आप काट देना।